अस्सलामुअलैकुम, रीना से किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गवार की सब्जी, गवार की फली। ये देखिए, इसे ऐसे छोटा कट किया है, इसे मैंने एक पानी से धोया है, दोबारा दूसरे पानी में इसमें डालकर रखा है। इसको क्लस्टर बीन्स भी बोलते हैं। तो मैं ये सिंपल कुकर में आपको बनाने बताती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ सुबह सुबह जब टिफ़िन बनाना हो तो गड़बड़ गड़बड़ रहती है, तो इसके लिए ये। और मैं हमेशा हर सब्जी कुकर में ही बनाती हूँ कि फटाफट भी हो जाती है और इजी भी है। तो इसके लिए मैंने ये गवार लिया है, एक प्याज है, इसको मैंने छोटे पीसेस में कट किया है, ये ऑयल लिया है, ये एक टमाटर है इसे कट किया है, ये हरा धनिया लिया है, इसे धोकर मैंने कट करके रखा है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ली है। आपके पास जो भी मसाला होगा, घर का मसाला आप यूज़ करते होंगे तो वो आप डाल सकते हो। ये स्वाद अनुसार नमक है, ये हल्दी है, और ये 2 टेबलस्पून मैंने मूंगफली, पीसी हुई मूंगफली ली है। आपको अगर आपको कम खाना हो तो आप 1 टेबलस्पून भी खा सकते हो, सॉरी 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हो। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने कुकर रखा है, अब मैं ये ऑयल इसके अंदर डाल देती हूँ। आपको अगर मूंगफली पीसी हुई ज़्यादा डालनी होगी तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। अब मैं इसके अंदर ये प्याज डालती हूँ, इसे अच्छे से हम भून लेंगे। ये कैसे जल्दी भी बन जाती है, और अगर टिफिन के लिए बनाना हो तो बराबर हो जाता है कुकर में, एक सीटी में ये हो जाती है, टाइम भी नहीं लगता। अब मैं टमाटर डाल देती हूँ। अब मैं इसके अंदर ये थोड़ा हरा धनिया डाल दी है। इसका फ्लेवर, इसके अंदर अच्छे से स्मेल भी आती है। हम ऊपर से भी डालेंगे पर मैं मसाले के साथ ही डाल देती हूँ। अब मैं जो ये मसाला ली हुई है इसके अंदर डाल देती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, सिंपल सी मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से भून लिया है, ऊपर का कलर भी आ गया है। अब मैं इसके अंदर ये गवार डाल देती हूँ। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने ये जो पीसी हुई मूंगफली ली है वो कुकर में डाल देते हैं, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हम इसे इसके अंदर भून लेंगे। अब हम यहाँ पे 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि फिर ये सब्जी नहीं, ये करी हो जाएगी। थोड़ा सा ही डालेंगे, फिर हम देख लेंगे। ये हमें जब भी ये पूरा कर लेंगे तब हमको गैस की फ्लेम को कम रखना है। अब हम इस पे लीड लगा लेंगे और गैस की फ्लेम को हम हाई पे रख देंगे। अब मैं इस पे ढक्कन लगा देती हूँ। देखिए, मैंने इस पे ढक्कन लगा दिया। अब हम पहले एक सीटी ले लेंगे। ये देखिए, पहले एक सीटी हो गई थी तो मैंने देखा था खोलकर, तो नहीं हो गई थी। कभी कभी क्या होता है, कुछ सब्जियाँ एक सीटी में हो जाती है, कुछ सब्जियों को 2 सीटी लेना पड़ती है। तो मैंने पहले सीटी में देखा था ये हो गई या नहीं ठंडे होने के बाद, तो नहीं हो गई थी तो मैंने और 1 सीटी ले ली। अब हमारी ये सब्जी हो गई है, तो मैं आपको इसे बाउल में निकाल कर बताती हूँ। ये देखिए, बन गए हमारी गवार की फली की सब्जी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये हरा धनिया डाल देती हूँ। अगर आपको टमाटर नहीं आप खाते होगे तो आप टमाटर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, इसे स्किप कर देना। ये देखिए, ये बन गई हमारी सब्जी। आप भी ज़रूर इसे बनाना,
और मुझे कमेंट करके बताना कैसी बनी है मेरी रेसिपी। ये टिफिन के लिए भी अच्छी है, आप डिनर में खा सकते हो दाल चावल के साथ, ये बहुत अच्छी लगती है। दोपहर में खा सकते हो आप, तो जब भी आपको दिल करे तब आप इसे खा सकते हो। ये बहुत अच्छी सब्जी है, आप ज़रूर इसे बनाना। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।